हेलो एंड वेलकम टू एन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कॉमन सेंस। मैं हूं आपके साथ रजत सेठी, जो कि कॉमन सेंस का आज का एपिसोड आपके लिए लेकर आया हूं आयरन रश फिटनेस क्लब से। जी हां, आयरन रश फिटनेस क्लब से काफी सारे मैसेजेस हमें आए थे, जहां पे वो चाहते थे कि हम उनके फिटनेस क्लब में आके लोगों की कॉमन सेंस चेक करें। पर साथ ही आपको बता दें, हम भी काफी सारा एक्साइटेड थे देखने के लिए कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो जिम करने वाले होते हैं, उनमें कॉमन सेंस होती है या नहीं होती है। इस प्रोग्राम में हम आपको यही दिखाएंगे कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनमें कितनी कॉमन सेंस है। पर प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम दिखाएंगे आपको हर बार की तरह हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसको देख के आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं जरूर बढ़ेगी, और जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तब आप हमें जरूर याद करेंगे। देखिए हमारा आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों, ये तो था हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट। उम्मीद करते हैं ये फैक्ट आपको पसंद आया होगा। इस फैक्ट में हमने आपको बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने इंडिया के नेशनल एंथम लिखने के साथ साथ बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा था। उम्मीद करते हैं इस फैक्ट से आपको कहीं ना कहीं जरूर नॉलेज मिली होगी। करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की शुरुआत। आज के प्रोग्राम में जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके बिना किसी का डाइवोर्स हो ही नहीं सकता। एक लौता वो रीज़न है जिसके बिना किसी भी इंसान का डाइवोर्स नहीं हो सकता। ये हम आयरन रश में आए हुए कुछ बॉडी बिल्डर से ये सवाल पूछेंगे और देखेंगे कि उनमें कितनी कॉमन सेंस है। तो आइए चलते हैं। नाम बताया सर अपना? अभिषेक। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है? गांधीनगर। गांधीनगर के रहे। अच्छा, कॉमन सेंस है आप में? हाँ। कितनी? ठीक ठाक। ठीक ठाक है? हाँ। आपको किसने बताया ठीक ठाक कॉमन सेंस आप? क्या आपको किसने बताया कि ठीक ठाक कॉमन सेंस है आप में? पता है मुझे। कैसे पता चला? पता है बस। और मतलब कोई बताता ना कभी कि आप में? बताया किसी ने? ना। नाम बताया सर? कुणाल। कुणाल बख्शी। कहाँ के रहने वाले? चन्नी। कॉमन सेंस है आप? हाँ है। कितनी? देखो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अच्छा बताएं, आपकी बॉडी ज़्यादा है या कॉमन सेंस ज़्यादा है? दोनों। नाम बताएं सर? अमन। कहाँ के रहने वाले? जम्मू। कॉमन सेंस आप? वो तो है। है पक्का? पता है? पक्का पता है। सवाल पूछे तो गलत नहीं हो सकता कोई जवाब? नहीं, गलत भी हो सकता है। कॉमन सेंस का ये मतलब नहीं है कि गलत नहीं हो सकता। तो बोल रहे हैं है पक्का, तो सेंस इज नॉट कि भैया आप हमेशा सही बोलोगे ना। कॉमन सेंस की जो मेरे को लगता है सही, मैं वो बोलूंगा। तो जो सही लगता है आप वो बोलेंगे? हाँ। सर हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है। नाम बताएं अपना? अतुल शर्मा। कहाँ के रहने वाले? सर बड़ी रामना। बड़ी रामना के कॉमन सेंस है आप में? नहीं सर। क्यों नहीं है? है ही नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है। रीजन मतलब कोई रीज़न होता ना कि नहीं है? रीज़न ये है कि है ही नहीं है। क्या कर सकते? कर तो कुछ भी नहीं सकते, बट हम यही पता कर रहे हैं कि किस में कॉमन सेंस है और किस में नहीं है। मुझ में तो बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर हम आपसे एक सवाल पूछें तो उसका आप जवाब नहीं दे सकते? नहीं दे तो सकता हूँ, लेकिन हो सकता है नहीं भी दूँ। तो गलत हो जाए जवाब? बिल्कुल। चलिए सवाल पूछूँ मैं। पूछो। बताएं सर, ऐसा क्या रीज़न है जिसके बिना किसी का भी डाइवोर्स नहीं हो सकता? लड़की। लड़की क्या रीज़न हो सकता? हाँ ऐसे। एक सवाल पूछूँ कॉमन सेंस वाला? हाँ। बताएं सर, ऐसा क्या रीज़न हो सकता है जिसके बिना किसी का डाइवोर्स ना हो? प्यार होना चाहिए रिलेशनशिप में। बताएं सर, ऐसा क्या रीज़न है जिसके बिना कभी किसी का डाइवोर्स नहीं हो सकता? ऐसा कोई रीज़न बना ही नहीं है। ऐसा कोई रीज़न बना ही जिसके बिना किसी का डाइवोर्स ना हो सके? किसी का डाइवोर्स किसी रीज़न की वजह से तो होगा ही ना। ऐसा एक रीज़न है जिसके बिना कभी किसी का डाइवोर्स हो ही नहीं सकता? ऐसा कोई रीज़न नहीं है। पक्का? मेरे 4 साल की शादी के बाद मैं यही बोल सकता हूँ कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है। 4 साल शादी हो गए? हो गए। थोड़ा सोचने वाली बात है कि एक रीज़न ऐसा है जिसके बिना कभी किसी का डाइवोर्स नहीं हो सकता। अब ये शायद आपकी शादी नहीं हुई इसलिए आपने इतना कुछ सोच लिया है, लेकिन मेरे मैं तो कुछ सोच नहीं पाया हूँ अभी तक तो, और मुझे ऐसा ढूंढना भी नहीं पड़ा। अच्छी बात। टच वुड। आपके हिसाब से ऐसा कोई रीज़न? मेरे हिसाब से अभी तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है। हम झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे? मैंने वही बोला ना, कॉमन सेंस की शायद आपको लगता है वो सच है, लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। प्लेन के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, कोई रीज़न ऐसा बना ही नहीं है जिसके बिना कभी किसी का डाइवोर्स ना हो सके। बात करते हैं किसी और से। नाम बता दे सर अपना? दीपक शर्मा। कहाँ के रहने वाले? जम्मू। जम्मू के। अच्छा, कॉमन सेंस कितनी कॉमन है आज? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है? आप में है?
Of course. Now it depends on you what kind of question you're gonna ask me. But आपको इतना confidence है कि आप में common sense है? Absolutely. हम अगर कोई question पूछेंगे आप उसका जवाब दे सकते हैं? I'll try my level best. चलिए बताइए सर. Diplomatic answer. चलिए बताइए सर, एक आसान सा सवाल पूछेंगे हम आपसे common sense वाला. बताएं सर, ऐसा क्या reason है जिसके बिना किसी भी इंसान का divorce नहीं हो सकता? वो अपने आप को zip up कर ले. नहीं सर, आपने कभी देखा किसी को शादीशुदा किसी को देखा? दो आई एम नॉट एक्सपीरियंस, बट ऑब्जर्वेशन तब होती है जब आपके पास कोई प्रैक्टिकल रीजन हो तो, प्रैक्टिकल एग्जांपल हो तो आई एम द ओनली सन, सो एज ऑफ नाउ मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है किसी मैरिड कपल को 24/7, सो आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन. नाम बताए सर अपना. सर नवेद पाल सिंह. कहाँ के रहने वाले? सर डिगाना. रोक दे दो मिनट बात करने वाले आपसे. ओके सर. कॉमन सेंस आप में? हाँ जी सर बिल्कुल. कितनी है? अब बहुत ज़्यादा. बहुत ज़्यादा कितनी? अब ट्राई तो कीजिए, बता देंगे. ट्राई क्या करें हम? चेक कर लीजिए किस तरह की कॉमन सेंस है. तो ये सवाल पूछे कॉमन सेंस वाला? बिल्कुल सर. जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल सर. पक्का भरोसा है? बिल्कुल सर. बिल्कुल सर. चलिए ठीक है, एक सवाल पूछते हैं हम आपसे. बताएं सर, ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके बिना किसी भी इंसान का डाइवोर्स नहीं हो सकता, तलाक नहीं हो सकता किसी का भी? कौन सा रीज़न है जिसके बिना कभी भी नहीं हो सकता किसी का भी तलाक नहीं हो सकता? कभी तलाक? सर रीजन से बहुत तलाक हो जाते हैं जिनकी वजह से. ऐसा एक रीज़न है जिसके बिना हो ही नहीं सकता, बाकी रीजंस के बिना तो चलो. ट्रस्ट होना चाहिए. ट्रस्ट के बिना तलाक नहीं हो सकता? ट्रस्ट के बिना सर, ट्रस्ट होगा तो तलाक नहीं होगा, अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो ऑब्वियस है तलाक होना होना. नाम बता दें मैम. रितु सिंह. कहाँ के रहने वाले? जम्मू. कॉमन सेंस है आप में? कॉमन सेंस है आप में? यस ऑफ कोर्स. अच्छा पहले बताइए, लड़कियों में ज़्यादा कॉमन सेंस होती है या लड़कों में? दोनों में ही होती है. लड़के कहते हैं हमें ज़्यादा है. नहीं, आई फील बहुत इक्वली कॉम्पिटेंट. आप में है कॉमन सेंस? हाँ. एक सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस वाला. हाँ मैम, ऐसा कौन सा रीज़न है जिसके बिना किसी का डाइवोर्स नहीं हो सकता? जिसके बिना किसी का डाइवोर्स नहीं हो सकता? मतलब रीजंस तो काफ़ी सारे होते हैं ना, पर एक वो ऐसा रीज़न है जिसके बिना कभी किसी का डाइवोर्स हो ही नहीं सकता. कंपैटिबिलिटी. वो एक रीज़न होगा. हाँ हाँ. अगर कोई और रीज़न है कि जिसके बिना किसी का डाइवोर्स हो ही नहीं पाएगा, अगर वो करना भी चाहे तब भी? नहीं, आप किसी और से पूछ लीजिए. कोई आइडिया नहीं. चलिए, इनको कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा कौन सा रीज़न होगा, बात करते किसी और से. नाम बताया सर अपना. रोहित. कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जम्मू का. कॉमन सेंस है आप में? अभी तक तो लगती है. लगती है आपको कि है? बिल्कुल. पक्की बात है? बिल्कुल. मान जाए आपकी बात कि आप में कॉमन सेंस है, वो आपके ऊपर है. अच्छा चलो, ये बताइए सर कि बॉडी बिल्डर्स में ज़्यादा कॉमन सेंस होती है, जो बॉडी बिल्ड नहीं करते उनमें ज़्यादा कॉमन सेंस होती है? जब बॉडी बिल्डिंग नहीं करते आई थिंक उनमें ज़्यादा होती है. वो क्यों? बॉडी बिल्डर्स क्या बॉडी बिल्ड कर करके कॉमन सेंस उनकी चली जाती है? क्योंकि कॉमन सेंस एक अपने प्रोफेशन की तरफ चले जाते हैं ना, तो बाकी जगह में इन्वॉल्व होते नहीं है, बड़ा कम होते हैं. आपका मानना है? ये मेरा है. एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे कॉमन सेंस वाला. बिल्कुल पूछिए. सर बताएं कि ऐसा क्या रीज़न है जिसके बिना कभी किसी का डाइवोर्स नहीं हो सकता? ऐसा कौन सा रीज़न है? नाम बताएं मैम. शाजिया नवाब. कहाँ के रहने वाले? श्रीनगर. अच्छा, कॉमन सेंस है आप में? यस. कितनी? थोड़े थोड़े. थोड़ी क्यों है? ऐसे ही बस. वैसे नॉर्मली तो लड़कियां बोलती है ना कि हमें लड़कों से ज़्यादा कॉमन सेंस होती है, आप बोल रहे मेरे में थोड़ी है. नहीं, बराबर बराबर है, दोनों में बराबर होती है. सवाल पूछे कॉमन सेंस वाला. बोले मैम, ऐसा कौन सा रीजन है जिसके बिना कभी किसी का डाइवोर्स नहीं हो सकता? गर्लफ्रेंड. सॉरी, रीजन बताना ना आपने. रीजन क्या होगा जिसके बिना कभी किसी का डाइवोर्स नहीं हो सकता? नो आईडिया. नहीं बता पा रहे? नो. सर हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम कुछ सवाल पूछते हैं कॉमन सेंस वाले. नीचे उतर जाए पहले. ओके. चलिए सर, कॉमन सेंस आप में? हाँ. पक्का है? हाँ. क्वेश्चन पूछो. क्वेश्चन पूछो. पूछो. दे पाएंगे आप जवाब? पहले इतना बता दें, पहले क्वेश्चन तो पता चले. चलिए एक सवाल पूछते हैं हम आपसे कॉमन सेंस वाला. बताएं सर, ऐसा क्या रीज़न है जिसके बिना कभी किसी का डाइवोर्स नहीं हो सकता? पता है, शादीशुदा लोग देखे आपने? हाँ देखे हैं. बस क्या रही है आपका भाई? शादी पूछा है आपने? अच्छा, वो आपका भाई है. तो क्या रीज़न हो सकता है जिसके बिना किसी का डाइवोर्स ना हो? उन्होंने तो सही जवाब दिया, मैं आपको इतना बता देता हूँ. पता नहीं, मेरी शादी नहीं है तो क्या बताऊँ. मैंने तो ये भी सुना बॉडी बिल्डर्स में दिमाग ज़्यादा होता है, कॉमन सेंस ज़्यादा होती है. एडवोकेट के बिना डाइवोर्स नहीं हो सकता? एडवोकेट रीज़न होगा.
हाँ वही करवाते हैं मैक्सिमम। दो फीट के बिना डाइवोर्स किसी का नहीं होता। वो अपने घर की प्रॉब्लम होगी, उनको पता होगा, मुझे क्या पता। बड़ी बार ट्रस्ट होने के बावजूद भी तलाक हो जाते हैं, सर्कमस्टांसिस वैसे हो जाते हैं ना, तो ऐसा एक रीज़न ऐसा है जिसके बिना तलाक हो ही नहीं सकता कभी किसी का। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं कपल्स के बीच में। पर एक रीज़न ऐसा है जिसके बिना हो ही नहीं सकता कि तलाक, वो रीज़न कौन सा होगा सर? अभी मैं तो अनमैरिड हूँ। मैरिड लोग तो देखे होंगे ना आपने? वो देखे हैं सर। फिर क्या रीज़न? देख चुका हूँ, वो तलाक भी देखे हुए हैं। देखे ना तलाक, फिर ऐसा रीज़न क्या है जिसके बिना हो ही नहीं सकता किसी का? पता नहीं सर, आप बताइए। कोई आइडिया नहीं क्या रीज़न है? आई डोंट नो, पता नहीं, कोई आइडिया नहीं। अभी आई थिंक जिम करके, अभी दिमाग करके कॉमन सेंस निकल गई, अभी कॉमन सेंस निकलेगी सारी। आई थिंक किसी की शादी ना हो तो डाइवोर्स हो नहीं सकता। आपके हिसाब से शादी ना हो तो डाइवोर्स नहीं हो? आई थिंक पक्की बात है, एक बार बिल्कुल पक्की बात है। शादी नहीं होगी तो बंदे का डाइवोर्स कैसे होगा? अब आप बताओ, मेरी शादी नहीं हुई, मैं डाइवोर्स कैसे ले सकता हूँ? मतलब अगर किसी को डाइवोर्स नहीं करवाना तो वो शादी ना करे? हाँ, शादी भी ना करे, वो एक्स्ट्रा मैरिकल अफेयर कर ले और लिविंग रिलेशनशिप में चले जाए, वो ज़्यादा बेस्ट है। शादी ना करे फिर? शादी ना, मैं तो खुद ही करूँगा भाई, लिविंग रिलेशनशिप में जाऊँगा मैं तो। शादी नहीं करो? शादी नहीं करनी। चलिए, इनके हिसाब से शादी रीज़न है वो जिसकी वजह से कभी किसी का डाइवोर्स नहीं हो सकता, बात करते किसी और से। वैसे तो काफ़ी सारे रीजन्स हो गए ना, पर एक ऐसा रीज़न है जिसके बिना कभी किसी का डाइवोर्स हो ही नहीं सकता। अगर शादी ना हो तभी डाइवोर्स नहीं। ओबियसली। आपका नाम क्या है? अभिषेक। चलिए, अभिषेक जी ने कॉमन सेंस लगाई और उनका कहना है अगर शादी ना हो तो किसी का डाइवोर्स नहीं हो सकता, बात करते किसी और से। सोचने वाली बात है सर, सोचिए थोड़ा कि ऐसा क्या रीज़न हो सकता है जिसके बिना किसी का डाइवोर्स ही नहीं हो सकता। क्या रीज़न हो सकता है जिसके बिना किसी का डाइवोर्स ना हो? वो शादी ना करे, सिंपल। नाम बताया? दीपक शर्मा। ये दीपक जी ने कॉमन सेंस लगा लिया और उनका कहना है कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो उसका डाइवोर्स हो ही नहीं सकता। दोस्तों, कहते हैं ना संगति का असर सबसे पहले इंसान पे असर करता है। जब हम यहाँ पर लोगों को जिम करते हुए देख रहे थे, हमने सोचा क्यों ना हम भी जिम शुरू कर दें। हमने कार्यक्रम के पहले भाग में लोगों से एक आसान सा सवाल पूछा था कि ऐसा क्या रीज़न है जिसके बिना कभी किसी का डाइवोर्स नहीं हो सकता, जिसका जवाब जो था काफ़ी सारे लोगों ने दिया भी, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस सवाल का जवाब हमें नहीं दे पाए क्योंकि उनमें कॉमन सेंस की कमी देखने को मिली, या फिर वो शायद हमारे सवाल को समझ नहीं पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, तभी वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कि शादी एक ऐसा रीज़न है, अगर बंदे की शादी ही ना हो तो वो कभी भी डाइवोर्स नहीं ले सकता, ये एक रीज़न था इसके पीछे। चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे भाग की तरफ। दूसरे भाग में हम लोगों से एक और आसान सा कॉमन सेंस वाला सवाल पूछने वाले हैं कि इंग्लिश का ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि लेटर ओ से स्टार्ट होता है पर जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं या तो वो वी की या तो डब्ल्यू की साउंड कहता है। ये कॉमन सेंस वाला सवाल है जो हम आयरन रश जिम में कुछ लोगों से पूछने वाले हैं। तो आइए चलते हैं कुछ लोगों के पास और देखते हैं कितनी कॉमन सेंस है। नाम बताए सर? सीरत मेहता। कहाँ के रहने वाले? जम्मू से ही, त्रिकुटा नगर। त्रिकुटा नगर। कॉमन सेंस है आप में? बिल्कुल सर। कितनी? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? हाँ। इतना कैसे भरोसा आपने कि बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस? कॉमन सेंस तो है मुझ में, तभी बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंटली इतना। नाम बताए सर अपना? पुष्पिंदर भारती। सर, एक कॉमन सेंस है आप में? मुझे तो लगता है, बाकी देखो क्या आप रिजल्ट निकालते हो। आपको लगता है? है। आज तक वैसे किसी ने बताया आपको कि कॉमन सेंस है आप में? आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि मेरे में कॉमन सेंस नहीं है, ये और ये भी नहीं बोला कि कॉमन सेंस है, मेरे को लगता कि है। बताएं सर, ऐसा कौन सा इंग्लिश का वर्ड है जो लेटर ओ से स्टार्ट होता है पर जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो डब्ल्यू की या वी की साउंड आती है? आई थिंक नहीं है सर। नहीं है? ऐसा भी वर्ड नहीं है। है वर्ड अगर हम बता रहे हैं? ओवन। ऐसा इंग्लिश का कौन सा वर्ड है जो कि लेटर ओ से स्टार्ट होता है बट जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं या तो वो वी की या तो डब्ल्यू की साउंड करता है? वॉल। वॉल ओ से कैसे स्टार्ट होता है? ओके, ओ से। कोई आइडिया नहीं है? नो, नो आइडिया। कॉमन सेंस नहीं है? नो, सॉरी। एक काम कीजिए मैम, अगर नहीं बता पा रहे हैं तो कैमरे में बोल दें कि लड़कियों में कॉमन सेंस नहीं होता। नहीं, नहीं बोल सकती। होती है लड़कियों में कॉमन सेंस? यस, होते हैं। तो बोलिए, दीजिए जवाब। होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जवाब दीजिए ना हमारे सवाल। जवाब अभी तो नहीं है, सॉरी। मैं अभी इनके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का, बात करते किसी और से। क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। इंग्लिश का ऐसा कौन सा वर्ड है जो लेटर ओ से स्टार्ट होता है बट जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं या तो डब्ल्यू की या वी की साउंड आती है? सॉरी, कोई आइडिया नहीं। सोचिए थोड़ा, दिमाग लगाया ना। कॉमन सेंस यूज कर रहा हूँ बट। करो करो यूज़।
सॉरी। या तो डब्ल्यू साउंड करता है, फिर दूसरा वी की, वी की और ओ से, या फिर अल्फाबेट वी की साउंड करता है वो, या फिर अल्फाबेट डब्ल्यू की साउंड करता है, पर वो स्टार्ट जो है ना वो ओ से होता है, ओ से स्टार्ट होता है। डब्ल्यू पता नहीं ये सर, थोड़ा सोचने वाला सवाल है। कुछ कोई हिंट, कुछ थोड़ा बहुत हिंट नहीं ना दे सकते सर, हम नहीं दे सकते आप। इतना बता सकता हूँ मैं, इंग्लिश का ही अल्फाबेट है कोई। नहीं वो तो मैं समझ गया, इंग्लिश का ही है, पता नहीं। ओ से स्टार्ट होता है, वी की साउंड देता है, वी की या डब्ल्यू की साउंड देता है। आउल, आउल कैसे वी की साउंड देगा? आउल नहीं, नहीं राइट है। सोचिए थोड़ा दिमाग लगाइए। वो दिमाग में आ नहीं रहा, कॉमन सेंस नहीं लग रही इस वक्त। तो टफ है क्वेश्चन, टफ है क्वेश्चन, तभी कॉमन सेंस नहीं लग रहा। उसे स्टार्ट होता है इसे, नहीं माइंड में नहीं आ रहा। चलिए इनके माइंड में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा वर्ड है, बात करते हैं किसी और से। नाम बताइए मैम अपना। प्रिया सिंह। कॉमन सेंस है मैम आप? नॉट मच, कॉमन सेंस नहीं है। इट्स इन एवरी मैन, इट्स वेरी कॉमन। या एक सवाल पूछेंगे हम आपसे कॉमन सेंस वाला। ओके, बताइए इंग्लिश का ऐसा कौन सा वर्ड है जो लेटर ओ से स्टार्ट होता है, बट जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं या तो वो वी की या तो डब्ल्यू की साउंड करता है। वी या डब्ल्यू? वी या डब्ल्यू। दैट्स आउल, दैट्स आउल। आउल मैम वी की। ओके, वी, यू डोंट से दैट आउल। ओके, वी और डब्ल्यू, इट स्टार्ट्स विद लेटर ओ, बट व्हेन वी प्रोनाउंस इट इट गिव्स साउंड ऑफ लेटर वी और डब्ल्यू। वी और डब्ल्यू, what's that actually, sorry। सोचिए मैम कॉमन सेंस लगाए। I'm not getting it, कोई आईडिया नहीं है। नो, इनको कोई आईडिया नहीं, ऐसा कौन सा वर्ड है, बात करते किसी और से। ठीक है सर, बताएं ऐसा कौन सा इंग्लिश का वर्ड है जो लेटर ओ से स्टार्ट होता है, पर जब हम उसको बोलते हैं तो या तो डब्ल्यू की या फिर वी की साउंड देता है वो। ओवल। ऐसे ओवल कैसे वी की देता साउंड? वी की साउंड दे रहा है ना, वोवल। वोवल ओ से कहाँ स्टार्ट होता है वो? ओवल। बताए सर इंग्लिश का ऐसा कौन सा वर्ड है जो लेटर ओ से स्टार्ट होता है, बट जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं या तो डब्ल्यू की या वी की साउंड करता है वो। डब्ल्यू की या बी, लेटर वी की साउंड कर। ओ एंड डब्ल्यू एंड वी। चलिए आप बता दीजिए, वैसे कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं है। चलिए तो कोई आइडिया नहीं, ऐसा कौन सा वर्ड है, बात करते हैं किसी और से। बताए सर इंग्लिश का ऐसा कौन सा वर्ड है जो लेटर ओ से स्टार्ट होता है, बट जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं या तो डब्ल्यू की या वी की साउंड आती है। कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया। दिमाग लगाओ यार, एक्सरसाइज करने दो भैया यार। एक्सरसाइज करते हो, दिमाग नहीं लगता? नहीं लगता। चलिए इनका दिमाग नहीं लग रहा क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हैं, बात करते हैं किसी और से। सर मेरा नाम है अभिनंदन गुप्ता। कॉमन सेंस है आप में? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे नहीं है सर, जितनी आप पूछो जितनी हम चाहेंगे उतनी निकल जाएगी। बोलो सर। बिल्कुल, सवाल पूछेंगे आसान सा, उसका जवाब देना अपने कॉमन सेंस वाला सवाल। हाँ जी, हाँ जी सर, बोलो। बोलवाएंगे, बोलो सर। सर बताएं इंग्लिश का ऐसा कौन सा वर्ड है जो लेटर ओ से स्टार्ट होता है, पर जब हम उसको बोलते हैं या तो वो वी की या तो डब्ल्यू की साउंड करता है। ओ से स्टार्ट, ओ से होता है, ओ से, ओ से सर, सर वन, वन वर्ड होगा वो। बिल्कुल सर, कॉमन सेंस लगाइए आप। बिल्कुल सर। नाम क्या था आपका? सर अभिनंदन गुप्ता। अभिनंदन जी ने कॉमन सेंस लगा दिया और उनका कहना है कि वन एक ऐसा वर्ड है जो कि ओ से तो स्टार्ट होता है पर वो जो साउंड देता है वो या तो वी की या डब्ल्यू की देता है, बात करते किसी और से। दोस्तों कार्यक्रम के दूसरे भाग में हमने लोगों से एक आसान सा कॉमन सेंस वाला सवाल पूछा था कि इंग्लिश का ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि लेटर ओ से स्टार्ट होता है पर जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं या तो वो वी की या तो डब्ल्यू की साउंड देता है। ये एक आसान सा कॉमन सेंस वाला सवाल था जो हमने आयरन रश में आए कुछ बॉडी बिल्डर से पूछा था, तो कुछ लोग ऐसे थे जो इस सवाल का हमें जवाब दे पाए और कुछ लोग ऐसे थे जो इस सवाल में अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं कर पाए। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है वर्ड
वन। जी हाँ, वन एक ऐसा वर्ड है जिसको जब हम लिखते हैं तो वो ओ से स्टार्ट होता है, पर जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं या तो वो वी की या तो डब्ल्यू की साउंड रहता है। चलते हैं कार्यक्रम के तीसरे भाग की तरफ। तीसरे भाग में हम लोगों से एक टंग ट्विस्टर पूछने वाले हैं। टंग ट्विस्टर जो हमारा आज का है वो है न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब। ये हमारा आज का टंग ट्विस्टर है जो हम लोगों से पूछने वाले हैं। आयरन रश में आए कुछ बॉडी बिल्डर से पूछने वाले हैं, तो आइए चलते हैं कुछ लोगों के पास और देखते हैं वो ये टंग ट्विस्टर बोल पाते हैं या नहीं। हम आपको बोलने वाले बोलने के लिए ओके बोलेंगे। यस सर। फिर आपने बोला न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब पांच बार। न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब 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 ओके। न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, 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 न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब। आपने बोला न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब पांच बार। न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब। आपने बोलना है न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब पांच बार। न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब गलत हो गया। न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब गलत हो गया। न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, 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 न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब। ट्राई कीजिए, ट्राई करने से होगा। न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब। बोल दिया फाइव टाइम्स। पक्का? पक्का। ये इन्होंने बोल दिया, बात करते किसी और से और देखते हैं वो टंग ट्विस्टर बोल पाते हैं। न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब। चार बार। फाइव। न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब। बोल दिया। न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब। बोल दिया। बोल दिया। ये बढ़िया जाने से बोल दिया। बोल दिया ये तो। चलिए इन्होंने ये टंग ट्विस्टर बारी करो तो मुश्किल हो जाता। चलिए इन्होंने तो ये टंग ट्विस्टर बोल दिया, बात करते किसी और से। न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब। बोल दिया। हाँ पाँच हो गए। चलिए रोहित जी ने हमारा टंग ट्विस्टर बोल दिया, बात करते किसी और से और देखते हैं वो ये टंग ट्विस्टर बोल पाते हैं। न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, 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 न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब। चलिए ये हमारा टंग ट्विस्टर बोल चुके हैं, बात करते हैं किसी और से और देखते हैं वो हमारा टंग ट्विस्टर बोल पाते हैं। न्यू बल्ब ओल्ड बल्ब, 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 न्यू बल्ब। सर पांच बार बोल हो गया। बोल दिया। यस सर। भैया मेरे को मेंबरशिप करवानी है पर सर मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है भैया? ऐसे कैसे होगा पैसे नहीं है? मेंबरशिप पैसों में होती है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है ना, बिना पैसों के कर दो यार मेरे। भैया इतना बड़ा सेटअप किया है यार, पैसे तो लगते हैं यार, क्या करती है? कोई बात नहीं, करवा देंगे। बिना पैसों के करवा दें। बिना पैसे को नहीं करवाएंगे, करवाएंगे बच्चे के से। आप पैसे दो, बाद में दे देना, लेकिन करवा देंगे। पैसे तो लगेंगे, पैसे लगेंगे। दोस्तों कार्यक्रम में हम आपको लेकर आए थे आज आयरन रश में, जहां पर हमने लोगों की कॉमन सेंस चेक करने की कोशिश की। जो बॉडी बिल्डर्स थे यहां पे उनकी कॉमन सेंस चेक करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको एंटरटेनिंग लगा होगा। आज के प्रोग्राम से शायद आपने कॉमन सेंस यूज़ करनी शुरू कर दी हो। इस प्रोग्राम के रिलेटेड अगर सजेशन देना चाहते हैं या फिर लोकेशंस बताना चाहते हैं जहां पे आप चाहते हैं हम ये प्रोग्राम आकर करें, तो हमें फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/jkdigitalmedia और व्हाट्सएप नंबर है 8716964444। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कॉमन सेंस के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि रजत सेठी को और कैमरामैन विजय कुमार को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।